ये जाता है कि आपको जी कल 10 बजे रात को डीसी ऑफिस में बुलाया जाता है। तो एक शर्म की बात है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी की चेयर, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट हाथों में है। और ये फोटोग्राफी है, अक्सर हमारे कार्यक्रम डीसी ऑफिस के अंदर या बाहर होते हैं। प्रेस पेपर ये सारा जो इकट्ठा करते हैं उसको जला लेते हैं, जबकि प्लास्टिक जलाना एक बैन है, क्राइम है, तो उसमें क्या कॉग्निजेंस ली है हमारे ईओ ने। डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट प्लस वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैंने आपको 50 बार ये लिखा है कि मैं आपसे मिलना है, आप काउंसिल की हाउस की मीटिंग बुलाइए। आप चाहते हैं कि मैं ईओ साहब के ऑफिस में जाके ताले में ताला लगाऊं या आपके ऑफिस में ताला लगाऊं? आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द बॉस ऑफ माई एरिया, आई एम द बॉस ऑफ माई ज्यूरिडिक्शन, मैं काउंसिल का एक मेंबर हूँ, आप मेरे प्रोटोकॉल पे चलेंगे, मैं आपके प्रोटोकॉल पे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो रात के 10 बजे जब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि सो चुके थे, एक मैसेज आता है कि आपको जी कल 10 बजे रात को डीसी ऑफिस में बुलाया जाता है। चलो, हम तो सो गए। जब सुबह देखा तो वो मैसेज पे रेक्टिफिकेशन भी आया, लेकिन जब आपने इस विषय को हमारे पास लाया, हमने छुपाने की बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक रिक्वेस्ट की थी पूरे देशवासियों से, जहाँ पे लोगों की छुट्टियां रद्द हो गई, कि आपने सुबह का पूरे हिंदुस्तान में 1 घंटे का कार्यक्रम करना है और सफाई का अभियान करना है, गार्बेज फ्री इंडिया बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें आज यानी कि रात के 10 बजे के लिए बुलाया है। तो एक शर्म की बात है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी की चेयर, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट हाथों में है। इसको वाजिब में कर देना चाहता हूँ कि जब भी आपका ये प्रोग्राम बनता है, काउंसलर इज एन अथॉरिटी, अगर वो उस पर लिखते हैं अपने मैसेज में कि ऑनरेबल काउंसलर, क्या उन्होंने हमारे साथ बैठ के रणनीति बनाई, जितने भी पखवाड़े हुए, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, मेरे को कहीं पे इनविटेशन नहीं मिला कि भाई आपके एरिया में हम ये पखवाड़ा बना रहे हैं। और सबसे बड़ा गार्बेज, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि आज म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से गंद उठा के यहाँ पे भरत रोड में डाली गई, और ये भी एक विडंबना है कि वाकई हम लोग अपने तो घरों से उठा के और सड़क में अपना कूड़ा डाल रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये फोटोग्राफी है, अक्सर हमारे कार्यक्रम डीसी ऑफिस के अंदर या बाहर होते हैं। देखिए, पिछले दिनों डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था, मैंने अपने ज्यूडिशन के एरिया को बोला कि भाई यहाँ पे लाइट खराब है। ईओ साहब ने बोला कि भाई जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो वहां पे नहीं जाना है। इसका मतलब कि हम लोग ऑनरेबल से उनके सर्वेंट हो गए, हम लोग डायरेक्शन पास करते हैं, यहां से घाट पे आप जा सकते हो सफाई करने के लिए। और क्या हमारे ज्यूडिशन में हम लोग, आज का कार्यक्रम के हेतु बात करूं, आज के जो कार्यक्रम आईटीआई के मेरे ज्यूडिशन नारीनिकेतन के पास था, मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पेपर मेरे एरिया में चाहिए, तो वो कार्यक्रम दाएं बाएं कर रहे हैं, डीसी ऑफिस के बाहर कर रहे हैं, मुझे उससे क्या लेना देना है? आई एम द अथॉरिटी ऑफ माई ज्यूडिशन, मेरे को ये डायरेक्शन पास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा प्रोटोकॉल है, मैं उसको डायरेक्शन पास करता हूँ। इज नॉट सपोज टू मेक एनी डायरेक्शन टू मी, क्योंकि आज का पखवाड़ा हम अपने एरिया में बनाना, जैसे डीसी साहब ने भी कहा था कि आपको अपने एरिया की देखभाल करनी है। और जितने भी आगे, एक बार फिर से कहूंगा, ईओ साहब के साथ वाला जो प्लाट है, जब से इन्होंने टेक ओवर किया है, उसका बेड़ा गर्क है। मैंने 50 बार ही बोला वो उधर की सफाई नहीं कर सकते हैं। और जितने भी स्वीपर हमारे, खास करके ज्यूरिडिक्शन में, आपने खुद अक्सर 50 न्यूज की होगी कि वो झाड़ू मार के छोटी छोटी नालियों में डालता, उसमें क्या एक्शन, क्या कॉग्निजेंस लिया हमारे ईओ साहब ने? अभी तक एक को भी सस्पेंड नहीं किया, न चेंज किया। हमने 50 बार ही बोलता, जिसकी भी कोई कंप्लेंट आती है, तो कहीं ना कहीं उस स्वीपर को डर होना चाहिए, उसका एरिया चेंज कर दीजिए। ऐसे अल्टीमेटली भी कम से कम 3-4 महीने के बाद हर एक स्वीपर का एरिया चेंज होना चाहिए, ये एक मेरा निवेदन है। और अगर आपने नहीं किया है तो ये भी एक इनकॉम्पिटेंसी आपकी, अगर आप देख के भी आंखें बंद करते हो, वो झाड़ू मार के आपकी न्यूज के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको किसी का डर नहीं है। अक्सर हमारे स्वीपर ये सारा जो इकट्ठा करते हैं उसको जला लेते हैं, जबकि प्लास्टिक जलाना एक बैन है, क्राइम है, तो उसमें क्या कॉग्निजेंस ली है हमारे ईओ ने? हमारी जो मेन रोड्स है, और खास करके आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगा, और मैंने डीसी साहब से भी, मैं आपके चैनल के माध्यम साहब से डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट प्लस वार्निंग देना चाहता हूं कि मैंने आपको 50 बार ये लिखा है कि मैं आपसे मिलना है, आप काउंसिल की हाउस की मीटिंग बुलाइए। आप चाहते हैं कि मैं ईओ साहब के ऑफिस में जाके ताले में ताला लगाऊं या आपके ऑफिस में ताला लगाऊं? क्योंकि आप 1 साल से मुझे मिलने का टाइम नहीं दे रहे, और हमको, मैंने 50 बार बोला है कि मेरी जो क्राइसिस है यहाँ पे, आप आपके लिए उसके पहले टाइम नहीं है। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द बॉस ऑफ माई एरिया, आई एम द बॉस ऑफ माई ज्यूरिडिक्शन, मैं काउंसिल का एक मेंबर हूं, आप मेरे प्रोटोकॉल पे चलेंगे, मैं आपके प्रोटोकॉल पे नहीं चल सकता हूं।
क्योंकि मैं लोगों की गिरवान से लेता हूं, हमारी जितनी भी लाइटें हैं डिफंक्ट है, अगर हमारी म्युनिसिपैलिटी के ईओ उस पर कांग्रेस नहीं लेते, मुझे डीसी को इन्फॉर्म करना है, अगर डीसी नहीं इन्फॉर्म वो काम नहीं करता है तो मुझे हायर अथॉरिटी को अप्रोच करना है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली मेरी प्रायोरिटी डीसी है, अगर वो काम नहीं करता है तो मुझे लगता है कि मेरे को सेकेंड स्टेप उनके दरवाजे पर जाके उनके दरवाजे को ताला लगाना चाहिए। हम क्योंकि हम सफर हो रहे हैं, हम लोगों की गिरवान से लेते हैं कोई भी एरिया। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि 6 महीने से हमारे पास कोई फिनाइल नहीं है, ईओ साहब क्या कर रहे हैं, अगर चेयर पे तो 6 महीने तो उनको भी लगभग आने को हो गए, फिनाइल नहीं है हमारे पास, जब कोई दिन त्योहार उठा उधर से 1 किलो लाया तो वो चूना हमने डाल दिया, जब दिवाली होती है या कोई प्रोग्राम होता है तब भी इनके छंदे करने पड़ते हैं, आने वाले नवरात्रिज हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लाइटें नहीं है हमारे पास कोई भी, सारी की सारी लाइटें हाई मास्ट स्ट्रीट लाइटें सारी डिफंक्ट है, वो कब तक ठीक होंगी, मुझे डीसी साहब के आंसर का जवाब का इंतजार रहेगा, और नहीं तो फिर हम लोग कुछ दूसरा एक्शन के बारे में सोचेंगे।